आप सबका स्वागत है ये स्पेशल सेगमेंट में। ये स्पेशल सेगमेंट क्यों है मैं आपको बताऊंगी। वी गर्ल्स हमेशा हमें प्रॉब्लम रहती है यार, कहाँ जाए, बाल कहाँ करें, हमें शूट पे जाना रहता है, हमें पार्टीज़ में जाना रहता है और हमें हमेशा सोचते हैं कि यार पार्लर का जब पार्लर जाना होता है बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है हमारे लिए। तो मैं ये स्पेशल सेगमेंट लाई हूँ जहाँ पर आपको ये सब स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको एक ऐसी जगह ले आई हूँ जहाँ पर बहुत ही सस्ते में बहुत ही अच्छा काम होता है। मैं ये आपको गारंटी देती हूँ बिकॉज आई कम हियर वेरी रेगुलरली। ये मेरा गो टू प्लेस है। मेरे शूट से पहले मैं यहाँ के अपना बाल करती हूँ और यहाँ से जाती हूँ। तो मैं आपको बता दूँ ये 500 रुपीज़ के अंदर अंदर आपका हेयर वॉश भी हो जाएगा और अच्छा खासा ब्लो ड्राई भी होता है। तो मैं आपको ये चैलेंज है कि मैं आपको अंदर ले जाऊंगी, दिखाती हूँ कि सस्ते में काम कैसे होता है और आप एंड में ये मेरे साथ ज़रूर कहेंगे बस इतना ही। तो आइए हम मिलाते हैं वो मैजिशियन से जो हमेशा बाल को मेरे, अभी आपको दिख रहा है मेरे बाल कैसे हैं, तो इसके बाद जब हम पूरा सर्विस करा देंगे फिर आपने देखना और मुझे बताना कि मैं सही थी कि गलत थी। तो आइए मिलाती हूँ वो मैजिशियन से आप सबको। आइए तो मैं आपको वो मैजिशियन से मिलाती हूँ जो हमेशा मेरे बाल को ऐसे से एकदम बढ़िया करते हैं। वो है प्रदीप जी। हाय। हेलो। हाय। ठीक है। तो आप थोड़ा मैजिक दिखाएंगे मेरे ऑडियंस को कि आप क्या करते हो, कैसे करते हो। जी जी चलिए। कितने साल से मेरे बाल के साथ आप? 4 साल से कर रहा हूँ। आप 4 साल से कर रहे हो ना। तो आपके मैजिक ने बहुत सारे जन को इम्प्रेस किया है, तो आज आप इनको भी इम्प्रेस कीजिए और मैं दिखा दीजिए आप क्या करते हो। ठीक है, चलिए प्रदीप जी, मेरे बाल थोड़ा अच्छा किया। मैं अभी बाल धोता हूँ। आपने हम मेरे बाल पे स्ट्रेटनिंग भी किए थे, क्या क्या? बोटॉक्स किए थे आप उन लोगों ने? पहले कलर किया था, कलर हाँ। के बाद फिर बोटॉक्स किए गया था। तो मेरे बाल पे कितना टिकता है ये बोटॉक्स? ये आपके बालों पे 6-7 मंथ रुकता है। एटलीस्ट मेरे बाल 2 बार धोते हो, राइट? या और एक बार कंडीशनर डाल के 10-15 मिनट रखते हैं, उसके बाद वापस रहेंगे। ये 30 मिनट्स लगते हैं सर, हेयर वॉश, ड्राई, ब्लो ड्राई। बट अगर आप सिर्फ ब्लो ड्राई करने आ रहे हो दे विल ओनली टेक 15 मिनट्स एंड नॉट मोर देन दैट। वो सबसे बड़ी अच्छी बात है। जब भी मैं डिले रहती हूँ शूट में और यहाँ आती हूँ 15 मिनट में मेरा काम हो जाता है इफ़ आई वॉश माई हेयर एट होम। बट मैं प्रेफर करती हूँ कि यहाँ आऊँ, हेयर वॉश भी ले लूँ तो मुझे अच्छा खासा मसाज भी मिल जाता है और मेरे बाल भी अच्छी तरह ब्लो ड्राई हो जाता है। तो हाफ एन आवर पकड़ के चलिए, आपके हाफ एन आवर में यू विल बी आउट ऑफ दिस सैलून। पाँच मिनट अभी रखूँगा, उसके बाद वापस रेंज करेंगे। हाँ, जो कंडीशनर हम लगा के वो पूरा निकालते हैं। मैं शैम्पू अभी लोरियल यूज कर रहा हूँ, विटामिनो कलर प्रोफेशनल लोरियल। ये कलर प्रोटेक्ट शैम्पू है और ये हमारा कंडीशनर है।
मैं इसका बड़ा शैम्पू यूज कर रहा हूँ। तो हम घर पे जब धोते हैं बाल, हम बहुत सारा नाखून यूज करके घसते हैं। मैं इनको हमेशा बोलती हूँ प्लीज मेरे बाल को बराबर घसो, क्यों आई फील माई हेयर इज लाइक घोड़े के बाल, एकदम रफ रहता है हमेशा। तो इस वजह से मैं हमेशा इनको बोलती हूँ कि थोड़ा घस के मेरे बाल को साफ कीजिए। ये मैं कभी कंडीशनर करने जा रहा हूँ, अभी शैम्पू किया, अभी मैं ये कंडीशनर करने जा रहा हूँ। हाँ, लोरियल का, लोरियल प्रोफेशनल विटामिनो कलर है। ये मैं 5 से 10 मिनट तक लगा के, क्या है मैडम जी के बाल ड्राई रहते हैं ना, तो थोड़ा लगा के रखता है तो सॉफ्ट। उसके बाद मैं कॉम करेगा, कॉम कर रहा हूँ क्योंकि बाल जो नोट्स हो जाते हैं ना यहाँ पे निकल जाते हैं। ये बाल अभी ऐसे ही रखेंगे क्योंकि ऐसे रखने से ड्रेस पे, ड्रेस गीला नहीं होएगा, नहीं तो वापस पानी जाएगा तो ड्रेस गीला हो जाएगा। इसके वजह से हम आप बेसिंग में ही रखते हैं इसको। 5 मिनट मैंने टोटल हो चुके हैं, अभी मैं रेंज कर रहा हूँ बालों के। मैं अभी मैडम जी का बाल वॉश हो चुका है, अभी मैं ड्राई करने के लिए ये भी वॉश हो चुका है, अभी मैडम जी को टॉवल ड्राई करके ड्राई करना है। चलिए गीले वालों पे अभी यहाँ पे हेयर में सीरम लगाएगा। हाँ, गीले वालों में क्या होता है नोट्स हो जाते हैं ना, तो उसमें मैं सीरम लगाएगा तो इजली नोट्स निकल जाएंगे। ये सीरम है मैट्रिक्स का डीप स्मूथनिंग सीरम, 2 ड्रॉप सीरम लेता हूँ। उसके बाद मैं नीचे ही वालों पे लगाता हूँ, ऊपर लगाने की जरूरत नहीं रहती है क्योंकि नीचे नोट्स ही रहते हैं ना, इसके वजह से ये बालों को स्मूथ करता है और जो नोट्स रफ रहते हैं ना उसको सॉफ्ट करता है। अभी मैं बालों पे मैडम जी को ड्राई करेगा, दो लोग मिलके ड्राई करेंगे। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट माय हेयर ड्राई, एक नहीं दो जन करते, काम जल्दी भी होता है और अच्छा भी होता है। ये 5 मिनट ड्राई करने में जाएगा, 5 से 7 मिनट लगेगा, उसके बाद फिर ब्लो ड्राई करेंगे। अभी ड्राई हो चुके हैं, अभी मैं इसमें ब्लो ड्रायर करेगा, अभी अपना ब्लो ड्रायर करके दिखाता है सर कॉम। तो ये मेरा ब्रश, ये मैं यहाँ से फर्स्ट सेक्शन लूँगा, ये मैं फर्स्ट सेक्शन ले रहा हूँ क्योंकि मैडम जी को यहाँ पे यू फॉल चाहिए रहता है, इसलिए मैं यहाँ पे पहला फर्स्ट सेक्शन फ्रंट पे लेता हूँ। अपना सेकंड सेक्शन से आउट कर्ल्स पूरा लूंगा पूरे बालों पे। ये मैं अभी आउट कर्ल्स किया हूँ और पूरे बालों पे ही करूँगा, उसके बाद ये पूरा एक एक आपको लेयर्स दिखेंगे करके। किया वैसे इधर भी कर रहा हूँ पूरे बालों पे ही, ऐसे ही ऊपर तक करेगा।
में भी फ्रंट लुक के लिए मैं बड़ा बड़ा ब्रश यूज कर रहा हूँ। बेसिकली आई लाइक इट लाइक दिस, मोस्ट ऑफ द शूट्स में मैं ऐसे है करती हूँ ये। और यहाँ प्रदीप जी, यहाँ वन साइड भी करके इनको दिखाइए। हाँ, वन साइड भी कर सकती हूँ, वन साइड का भी फॉल आएगा। देखिए इट्स दैट इजी कि एक साइड पे भी अच्छा लगता है, दिस इज अ नाइस लुक, और दोनों साइड करूँगी तो भी अच्छा, साइड में भी हो जाएगा, वन साइड भी कर सकते हैं। और प्लस ये अगर आपको मिडिल चाहिए ना तो मिडिल पार्ट भी कर सकते हैं। See how beautifully it's falling. मैंने जल्दी ही, मैंने प्री एंड पोस्ट नहीं दिखाया, बट आप अगर स्टार्टिंग के वीडियो पे जाओगे तो आपको दिखेगा कि मेरे बाल कैसे थे। और अब देखिए, मैं आपको बोला था जादू होगा, तो ये है जादू का असर। ये भी हमारा, ये मैडम जी का लुक आधे घंटे में कंप्लीट हो चुका है। देखा, जैसे मैंने बताया कोई मैजिशियंस काम करते हैं मेरे बालों पर, लिटरली हर शूट से पहले मैं यहाँ पर आती हूँ, मेरे बाल ऐसे सेट करती हूँ और भागती हूँ सिर्फ आधे घंटे में। बेसिकली आधे घंटे से भी कभी कभी उनको कम लगता है, डिपेंड करता है मेरे बाल कौन से कंडीशन में है। बहुत टाइम हो गया था मेरे बाल को कुछ किया नहीं था, तो आप देख सकते हो परफेक्ट कर्ल्स आउटकर्ल्स, जैसे मुझे पसंद है। शूट्स को भी अच्छे लगते हैं, कैमरा भी बहुत अच्छे लगते हैं। आपको कोई भी स्टाइल करना हो तो ईजिली आप उनको बता सकते हैं, आप उनको रेफरेंस दे सकते हैं और रेफरेंस के थ्रू वो आपको वैसी हेयर स्टाइल करते रहेंगे। मेरे साथ हमेशा एक्सपेरिमेंट होता है इस बात के साथ, कभी मैं स्ट्रेट करती हूँ, कभी कर्ल्स करती हूँ, कभी पोनी करते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत सारे हेयर स्टाइल्स करते हैं। बट दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट लुक्स एंड इवन दे लाइक इट, दे डू इट, दिस इज द वेरी कम्फर्टेबल थिंग दैट दे कैन डू इट फॉर मी। आई डोंट नो, आई टू लव दिस, यू नीड टू टेल मी हाउ यू ऑल फाइंड इट एंड यू ऑल हैव टू कम हियर। अब तो ये जैसे लुक कम्प्लीट हो गया है तो पेमेंट तो देना पड़ेगा उनको, इतना अच्छा काम किया है तो आइए उनको पेमेंट देते हैं। और आज का दिन हम रैपअप करते हैं प्रदीप जी। अभी इतना अच्छा काम किया है तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं कड़क कड़क काम कर रहा हूँ। ये लीजिए आपके काम के लिए, अभी मेरे 400 हुए हैं। हाँ देखिए, जैसे कि मैंने कहा 400 इतने अच्छे मेरे बाल हुए हैं, दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू इट। ये प्रदीप जी के लिए मेरे तरफ से, हमेशा अच्छा काम करते हैं, कभी कोई स्ट्रेस नहीं हुआ है बालों को लेकर, तो स्ट्रेस नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं रिजल्ट यहाँ पर है, तो आइए यहाँ पर और मेरे जैसा एक्सपीरियंस लीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर आपको ये सेगमेंट बहुत ही पसंद आया तो बताते जाइए, और मैं आपको ऐसे ऐसी जगह लेके जाऊँगी जहाँ की आपको यकीन नहीं होगा कि बस इतने में ही हमारा काम हो जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड थैंक यू प्रदीप जी फॉर ऑलवेज मेरे बाल को ऐसे संवारने के लिए। थैंक यू। तो देखिए आई एम रेडी, आधे घंटे में मेरा काम हो गया। लुक एट माई हेयर, आई एम लुकिंग वेरी प्रिटी, आई नो दैट, जस्ट किडिंग, बट आई एम रेडी। अभी मुझे शूट पे जाना है, मैं तो रेडी हूँ। और आई होप आपने नोटिस किया है, ये वो जगह है जहाँ मेरे इतने अच्छे बाल हुए हैं, हेयर रेक्टिफाई। तो आप अपने हेयर को यहाँ पर आके रेक्टिफाई कर सकते हैं। ये बहुत ही नज़दीक है, ये डीएन नगर में है। मैं डिस्क्रिप्शन पूरे ये जगह का कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, आप प्लीज़ देखिए। अगर आपको सच्ची में पसंद आया तो आप आ सकते हो कभी भी यहाँ पर, आप मेरा भी रेफरेंस दे सकते हो, बट यू कैन कम हियर। एंड मैं बता रही हूँ आपको कि सस्ते में बहुत अच्छा काम होगा, और मुझे तो सुनना है कि बस इतना ही। थैंक यू गाइज़।